दोस्तों अक्सर हम सही स्ट्रेटेजी तो बना लेते हैं, लेकिन उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करें ये हम समझ नहीं पाते। इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं द स्वॉट एनालिसिस टेक्निक के बारे में, जिसको 1960 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंपनीज के डेटा को एनालिसिस करने के लिए डेवलप किया गया था। स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म होता है एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट्स। स्वॉट एनालिसिस वो टेक्निक है जिसमें हम किसी भी प्रोजेक्ट, पर्सन या कंपनीज की सिचुएशन को एनालिसिस करके उसे समझ सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम उसको चार फेसेस में एनालिसिस करते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आप एक स्कूल खोलना चाहते हैं ताकि बच्चों को एजुकेशन मिल सके, तो इस प्रोजेक्ट के लिए आप पूरा स्वॉट एनालिसिस करते हैं उसका। स्वॉट एनालिसिस का पहला है एस फॉर स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ है कि आपके पास अच्छे टीचर्स हैं जो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके पास एक सेफ और क्लीन एनवायरनमेंट है। दूसरा है डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस। आपको एक बड़ा प्लेस चाहिए ताकि आप और बच्चों को भी ऐड कर सके, लेकिन आपके पास बजट की भी कमी है और आप नीड्स को पूरे करने की आप में कैपेबिलिटी अभी नहीं है। ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज में आपके आसपास अच्छी एजुकेशन की काफी डिमांड है, वो आपकी एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरी अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास अच्छी टेक्निक को एजुकेशन में इन्वॉल्व करने का ऑप्शन भी है। और चौथा है थ्रेट्स। थ्रेट्स में आपके पास थ्रेट हो सकता है कि आपकी बाकी स्कूल से आपका कंपटीशन करना हो सकता है, और कई रूल्स रेगुलेशन की वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफी बढ़ सकती है। अब देखिए, इस एग्जाम्पल से हमने एक स्कूल को ओपन करने में और उसके बाद आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं वो हमने समझा। ऐसे ये टेक्निक आप अपने वर्किंग लाइफ में या डिसीजन को टैकल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप यूज कर सकते हैं अगर आपका कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। आप पहले लिखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और फिर लिखिए आपकी वीकनेसेस क्या है, फिर लिखिए आपकी अपॉर्चुनिटीज, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्या है और मार्केट में थ्रेट्स क्या है। अगर इतना आप करते हैं तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल सकती है आपकी प्रोजेक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में। इस मॉडल्स की वजह से आपको ये पता चल सकता है कि कौन से एरिया में आपको कितना अटेंशन देना चाहिए, जिसकी जो स्ट्रेंथ है अगर उसको वही अपॉर्चुनिटी मिले तो बहुत बेहतर तरीके से काम हो सकता है। फिर कंपनी की वीकनेसेस क्या है और थ्रेट्स क्या है वो आपको पता चल सकता है, उसका आपको सॉल्यूशन भी मिल सकता है। दोस्तों, इस मेंटल मॉडल को आप एक बार जरूर अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए कि इसकी वजह से आपको क्या बेनिफिट्स मिला। हमने ये मेंटल मॉडल द डिसीजन बुक से सीखा है। हम इस बुक के सभी मेंटल मॉडल्स पर पूरी एक सीरीज बना रहे हैं, तो ऐसे ही लाइफ चेंजिंग मेंटल मॉडल्स सीखने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस आपके लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज कीप लर्निंग, हमेशा सीखते रहे, खुद को बेहतर बनाते रहे। थैंक यू सो मच।